नमस्कार जी, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके साथ मटरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे हम घर में हेल्दी तरीके से बनाएंगे और बहुत ही आसानी से ये रेसिपी बन जाती है। इसके लिए मैंने ये 2 कटोरी मैदा लिया है। इसमें स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे और थोड़ी सी अजवाइन को क्रश करके डालें। अब मैंने इसमें कस्तूरी मेथी डाली है, ये हमारी घर की है इसलिए थोड़ा सा इसका कलर ऐसा है। अब मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, आप इसकी जगह घी भी डाल सकते हैं। ऑयल ये 4 बड़े चम्मच है। इन सबको हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम अच्छे से मोइन बनाएंगे। जब आप मुट्ठी में ऐसे करेंगे तो ये इस तरह से होना चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंथेंगे। इसका हमें सख्त डो ही बनाना है, सॉफ्ट नहीं बनाना है। पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, क्योंकि ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है। वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका आटा अच्छे से बना लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे से इसके पेड़े लेंगे और इसे मठड़ी का आकार से ऐसे बनाएंगे। इसी तरह से हम सारी मठड़ी ऐसे बना लेंगे। ये ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और मोटी भी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल जो साइज़ मठड़ी का होता है वैसे ही बनाएं। ये सारी मठड़ी मैं पहले बना लेती हूँ। और अभी हमारी सारी मठड़ी बनके तैयार है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए गैस में मैंने कढ़ाई रख ली है और इसमें आप तेल डालें। तेल को हम ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, थोड़ा ठंडा रहने दें, क्योंकि ज़्यादा गर्म में ये बाहर से पक जाएगी, अंदर से अच्छे से नहीं पकेंगी। ये आप देख सकते हो तेल ज़्यादा गर्म नहीं है। गैस को आप स्लो ही रखें। इसी तरह से हम इन्हें फ्राई करेंगे। थोड़ी सी अगर पक जाए तो इन्हें आप पलट लें। अभी सारी मठड़ी हमारी ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब ये तैयार है। इन्हें ऐसे निकाल के थोड़ी देर के लिए इसका एक्स्ट्रा ऑयल हम निकाल लेंगे और आराम से इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है। और ये एकदम से खस्ता बनी है। इसी तरह से हम दूसरे वाले भी ये फ्राई कर लेते हैं। दूसरे वाले भी हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस ऐसे ही हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। फेस्टिवल्स आने वाले हैं, आप इसे घर में ही आसानी से बना सकते हैं हेल्दी तरीके से, या आप ऐसे भी चाय के साथ ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और कई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।